अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एंड आर्ट की फैमिली है और आज हम लोग घर के अंदर मौजूद हैं, तो बच्चों ने कहा कि एक सेशन कर लेते हैं जिसके अंदर हम आपसे एंड आर्ट के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें पूछते हैं। तो सबसे पहले ईशा रानी है, उसके बाद इशाल फातिमा है और तीसरे नंबर के ऊपर हैदर है। इन तीनों के अपने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट भी हैं, तो हम इनसे पहले पूछते हैं जी कि आपके सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले चलते हैं ईशा रानी की तरफ। ईशा, आपका सोशल मीडिया के ऊपर कौन सा अकाउंट है? मेरा टिकटॉक पे एक अकाउंट है जिसका नाम है ईशा। ईशा नाम से इनका अकाउंट है और उसको मैं मेंशन भी कर दूंगा ताकि आप लोग उसको फॉलो भी कर सकें, लाइक भी कर सकें। तो टिकटॉक के ऊपर ही सिर्फ वो अपना अकाउंट चला रही हैं जहाँ पे वो वीडियो वगैरह अपलोड करती हैं। और उसके बाद आते हैं इशाल फातिमा, आपका कौन सा अकाउंट है? इशाल फातिमा रोज ऑफिशियल। इशाल फातिमा रोज ऑफिशियल, ये किस चीज के ऊपर है? ये यूट्यूब के ऊपर, यूके की लाइफ के बारे में है और ये यूट्यूब पे मैंने यूट्यूब के ऊपर बना हुआ है। इशाल फातिमा का यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बना हुआ है। और उसके बाद हम चलते हैं हैदर की जानिब। हैदर, आप बताएंगे कि आपका कौन सा अकाउंट है और किस नाम से है? यूट्यूब पे चैनल। और किस नाम से है? हैदर इन यूके। हैदर इन यूके, आप वहाँ पे किस तरह की वीडियो बनाते हैं? मैं आयरन मैन के पहले बनाता था, मेरी यहाँ मेरे चैनल पे बनती है और बहुत अच्छी बनती है, तो आप उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब पहले से करके रखें। थैंक यू सो मच। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा, आपको पता है कि एंड डॉट नाहिदा नदीम के नाम से हमारी बकायदा तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट है। फेसबुक के ऊपर जो अभी हमने अकाउंट बनाया है जिसको हम लेके लीड कर रहे हैं और आज इसकी प्रमोशन वीडियो भी हम शूट कर रहे हैं, उसका नाम है एन डॉट कलेक्शन यूके, जो कि फेसबुक के ऊपर है। और नाहिदा नदीम लाइव, ये जो इसके ऊपर हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल है। और इसके अलावा एक हमारा जो चैनल है वो उसके ऊपर टिकटॉक के ऊपर है, जो कि एन डॉट कलेक्शन यूके के नाम से है। तो वन बाय वन बच्चे कह रहे थे जी कि हम एन डॉट के हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वन बाय वन करके जी पूछते जाएं। क्या क्या पूछना है आप लोगों ने? एन डॉट आपने यहाँ सोचने, एन डॉट आपने बनाने का कैसे सोचा? इशाल फातिमा का क्वेश्चन है जी कि एन डॉट आपने यहाँ पे क्यों बनाना चाह रहे हैं, आपने क्यों सोचा कि एन डॉट होना चाहिए यहाँ पे? तो जब हम लोग पाकिस्तान में थे तो हमारा एक ख्वाब था कि हम अपने ख्वाब को इंग्लैंड तक, और मैं, आपने अक्सर देखा होगा कि यूके की मुख्तलिफ जो बिल्डिंग हैं, ब्रिज हैं, मार्केट्स हैं, उनमें लगा के हमें प्रोपोशन किया करता रहता था। तो दोस्त मेरे बहुत ज़्यादा हंसते भी रहते थे कि ये जो है ना, आप कब यूके जाएंगे। तो एक ख्वाब था और वो ख्वाब मैं समझता हूँ कि हकीकत में बदल गया है कि हम लोग यूके भी आ गए और उसी एन डॉट को जो है हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और कंपनी हमने रजिस्टर करा ली है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब यह है कि बाकायदा तौर पर हमारा यहाँ से सर्विसेज भी शुरू करेंगे। तो एक ख्वाब जिसको हमने शर्मिंदा ताबीर होते हुए देखा है कि वो ख्वाब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और आप कब तक अपना यहाँ पे बिजनेस खोलेंगे? बिजनेस का ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो हमने कर ली हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर हमने कंपनी अपनी रजिस्टर करा ली है, इसके साथ साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने के साथ साथ जो है अभी मेरा ये प्रोग्राम है कि बाकी जो उसके पेचीदगियाँ हैं वो सारी दूर कर ली जाएँ। फिर उसके बाद जो सिलेक्शन है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो हमने कहाँ कहाँ से मंगवानी है वो ला के, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह होपफुली ये है कि नवंबर या दिसंबर में हमारी जो सर्विसेज हैं वो हम स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी ने वफा की और सब लोगों ने अगर साथ दिया तो ये हम लाजमी कर लेंगे। और अगर आप लोगों ने अपना एन डॉट खोला तो उसमें आप क्या क्या स्टॉक रखेंगे? हाँ, स्टॉक का ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर तो हम लोग जो है ना वो कपड़े जो थे वो ज़्यादातर जो अनसिले कपड़े थे वो हम बेचते थे, तो यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम है कि जिस तरह हुडीज हो गई, लेगीज हो गई, वार्म सूट हो गए, ट्रैक सूट हो गए और कैप्स हो गई, इस तरह की चीज़ें जो है हमारा प्रोग्राम है कि हम इनको शुरू करें, स्टार्ट करें यहाँ से। तो आखिर में बाद में चल के हम इंशाल्लाह लजीज जो है हमारा ये भी प्रोग्राम है कि जिस तरह पाकिस्तान से जो लेडीज़ और जेंट्स के जो कपड़े हैं वो भी हम सिलवा के यहाँ पे मंगवाएं
और अच्छे कपड़े मंगवाएं, ब्रांडेड सूट मंगवाएं, ताकि वो भी लोगों तक पहुंचा सके। जिस तरह वहां पे हम ब्रांड का काम करते थे, रेप्लिका नहीं देते थे, यहाँ पे जो लोग करते हैं वो ज्यादातर रेप्लिका करते हैं, तो रेप्लिका का काम नहीं करें, तो वो भी इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि हम वो काम भी करें। और कोई क्वेश्चन? आपने एंड्रॉइड बनाने का आपको आइडिया कैसे मिला? आइडिया आपको पता है कि हम लोग वहाँ पे थे तो हमारे मुश्किलात थी बहुत सारी चीज़ों की, तो फिर मैंने और आपकी मामा ने मिलकर सोचा कि एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना चाहिए जो कि हमें सपोर्ट कर सके। तो फिर बहुत सारे नामों के बाद जो है ना, मैं एक दिन गुजर रहा था जुनेद जमशेद के आउटलेट के बाहर से, तो वहाँ पे लिखा हुआ था जे डॉट, तो फिर मुझे भी ये ध्यान में आया कि उसका जे से जुनेद, जे से जमशेद और उसने जे डॉट बनाया हुआ है, तो मैंने कहा कि हमारा जो एन है, एन से नाहिदा और एन से नदीम, तो हम दोनों के नाम भी मिलते हैं, तो लिहाजा दोनों को मिला के एन डॉट बना लेते हैं। तो उसके बाद से फिर हमने एन डॉट बना लिया और एन डॉट की हमने बुनियाद रखी। और हैदर आप कोई पूछने गए? आप अपने कपड़े फैक्ट्रीज में बनाएंगे क्या, फिर आप लोगों की शॉप से कपड़े? हाँ, ये हैदर का देखे, हैदर के जो है ना, हैदर का जो पॉइंट है वो यहीं पे फंसा हुआ है बहुत अरसे के बाद, और मुझे ये कहता है कि पापा ये जो दूसरों की चीज़ें ला के आप बेचते हैं, इससे बेहतर ये है कि आप अपनी चीज़ें जो है ना बनवा के बेचें। तो इसका देखें कि माइंड सेट देखें कि कहाँ पर पहुँचा हुआ है, लेवल देख लें आप। तो बहरहाल ये है कि मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम तो मेरा यही है कि अभी तो हम लोगों की चीज़ें ही ला के बेचेंगे, लेकिन यह है कि एट दी एंड हमारा ये प्रोग्राम है कि जो टारगेट हमारा वही है कि हम अपनी चीज़ें प्रोड्यूस कराएं और वो ला के बेचें। तो इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं, तीनों बच्चे माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत ज़बरदस्त पढ़ते हैं, और इशाल फातिमा जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल के जो इलेक्शन है वो भी लड़ रही हैं, तो उसको भी वो कंटेस्ट कर रही हैं, और ये भी हमारे लिए बहुत प्राइड की बात है कि पाकिस्तान से आके यहाँ पे स्कूल के अंदर स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन इस एज में लड़ना। तो मेरे जो तीनों बच्चे हैं सोशल मीडिया के ऊपर मैंने इनको एक्टिव रखा हुआ है, अपने अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, इनको मैं बाउंड नहीं कर रहा हूँ, जो जिस तरह की एक्टिविटीज ये कर रहे हैं अभी चेक एंड बैलेंस जरूर रखता हूँ कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अजीज ये आगे चल के जो है ना ये बहुत फ्रूटफुल साबित होगा, बहुत ज़बरदस्त। तो वीडियो मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी हो गई है, तो कोई अपने व्यूज को बताने चाहे अपनी अपनी बात वन बाय वन करके, इशारा नहीं पहले आप लोग हमें यहाँ पे भी सपोर्ट करना जिस तरह आप लोगों ने हमें पाकिस्तान में किया था, और हमारे जो है इस छोटी सी शॉप और इसको बहुत ज्यादा बड़ा कर देना। थैंक यू सो मच। और इशाल फातिमा आप हमें लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट भी कर लो, और जो जो कर सकते हो वो करो, अपने फैमिली वालों को भी बोल दो हमें सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, थैंक यू। और हैदर आप कि मैं यहाँ पे जब हमारा एंड बन जाएगा आप मेरे पापा के चैनल से भी ये वीडियो देख सकते हैं एंड के ऑफिस की, और मेरे से भी, क्योंकि मैं भी मेरा भी ख्याल है, क्योंकि मैं एंड पे एक वो बनाऊँ व्लॉग्स एंड के। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, ये होने बात। आप कुछ कहना चाह रही हैं ईशा? हाँ, मैं भी जो है अपने चैनल पे एंड डॉट को प्रमोट करूंगी, तो आप मेरे चैनल को भी फॉलो कर लें और मेरी वीडियोस को भी लाइक करें। और ये तीनों बच्चे मेरे जो हैं इंशाल्लाह ये अपने अपने चैनल से हमें सपोर्ट करेंगे। आप दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि इनके जो चैनल हैं उनको आप लोग लाजमी सपोर्ट करें, उसके साथ साथ जो एंड डॉट नाहिदा नदीम कलेक्शन यूके है उसको लाजमी आप लोग ज्वाइन भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, प्रमोशन भी करें हमें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, फिर किसी सेशन में हम लोग हाजिर होंगे आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय।